नो फिश और एनिमल वर हार्म इन दिस वीडियो। इस वीडियो में किसी भी मछली या फिर किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, कल फ्राइडे था, तो कल मेरा पैकिंग डेट था। तो कल दोस्तों कौन कौन सा मछली पैकिंग हुआ है वो सब आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। मेनली दोस्तों बहुत सारे लोगों ने डम्बो ईयर का फीमेल ऑर्डर किया था, तो फीमेल जो है दोस्तों आधे से ज़्यादा स्टॉक आउट हो चुका है। मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में पैकिंग ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, पैकिंग का वीडियो मेरे ब्लॉग चैनल पर ही आएगा। आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो डाफनिया के ऊपर है, और एक खुशखबरी दोस्तों मेरे लिए है, और मेरे लिए है तो आप लोगों के लिए तो होगा ही। मतलब मेरा जितना भी बेटा फिश का फ्राई मेरे पास अभी है वो सभी इतना बड़ा हो चुका है कि डाफनिया खा सकता है। तो उन लोगों को मैं डाफनिया किस तरीके से दे रहा हूँ वो बताऊंगा। और मेरा दोस्तों जो बड़ा सा एक तालाब जैसा सेटअप बनाया था जिसमें बहुत सारा बेटा फिश का फ्राई है, वो सभी को मैं कितना क्वांटिटी में डाफनिया दे रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। बाकी जिन लोगों को पैकिंग देखना है, कौन कौन सा मछली कहाँ कहाँ पर जा रहा है, प्राइजेस कितना है दोस्तों, वो सब अगर जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने क्रॉस ब्रीडिंग करवा के बच्चा निकाला था क्राउन टेल मेल के साथ, डबल टेल ओएचएम का फीमेल के साथ, तो उसका क्या अपडेट है दोस्तों, उसका फ्राई भी दिखा दूंगा थोड़ा सा आज की इस वीडियो में। बाकी जैसे कि मैं बोल रहा था, आप लोगों का अगर पूरा स्टॉक का वीडियो और किस तरीके से मैं पैकिंग करता हूँ, मछली किस तरीके से भेजता हूँ वो सब देखना है तो ब्लॉग चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। पूरा डिटेल पैकिंग का वीडियो दोस्तों कल सुबह 10 बजे आने वाला है, तो कल संडे है दोस्तों, आप लोग वो वाले वीडियो अच्छे से एंजॉय करना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 100 लाइक का ही टारगेट है, जरूर से सब लोग लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो। भाई लोग, आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 100 लाइक का ही टारगेट है, मेरे को पता है 300-400 लाइक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कल सुबह 10 बजे मेरे ब्लॉग चैनल पे जो वीडियो अपलोड होने वाला है उसका एक छोटा सा ट्रेलर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये सभी डम्बो ईयर का जो फीमेल देख रहे हो दोस्तों, ये सब पैकिंग का वीडियो कल आने वाला है। टोटल दोस्तों 185 डम्बो ईयर का फीमेल सिर्फ एक दिन में पैकिंग हुआ है, और भी बहुत सारा मछली पैकिंग हुआ था, तो वो सभी आप लोगों को मेरे ब्लॉग चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। तो देखो दोस्तों, ये जो डाफनिया है मैं कहाँ से पकड़ के लाता हूँ वो सब आप लोग जानते हो, तो पकड़ने का वीडियो वगैरह कुछ मैं दिखा नहीं रहा हूँ। बाकी जिन लोगों को नहीं पता कि डाफनिया एक्चुअली है क्या, उन लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यह एक्चुअली एक क्रस्टेशियन है। अब क्रस्टेशियन क्या है दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, एक्चुअली ये एक एक तरीके का झींगा जो होता है हम लोग खाते हैं, उसी तरीके का एक कीड़ा है जो कि उससे हजारों गुना छोटा होता है। आप लोग देखो कितना छोटा है, लाइट दिखाते ही सब कुछ एक तरफ आ रहा है, तो ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी दोस्तों ये सभी जो डाफनिया है वो मैंने 2 घंटे के लिए ये कंटेनर पे रख दिया था साफ़ पानी पे, और पानी दोस्तों पूरा क्लियर था। अब आप लोगों ने देखा कि पानी गंदा हो चुका है, इसका मतलब डाफनिया का पेट में जितना भी गंदगी वगैरह था वो सब निकल चुका है। अभी दोस्तों ये डाफनिया को हम लोग खाने के लिए देंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सभी बेटा फिश का फ्राई अभी भूखा है। तो इतने दिनों से दोस्तों मैंने बेटा फिश फ्राई को सिर्फ और सिर्फ ब्राइन श्रिंप खिलाया था। अभी दोस्तों इन लोगों का जो एज है करीब करीब 15 दिन या फिर 2 हफ्ते के आसपास इन लोगों का एज हो चुका है, मतलब उम्र हो चुका है। तो इन लोगों का भी मैं डाफनिया दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने डाफनिया दोस्तों क्यों नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले इनका साइज इतना छोटा था कि डाफनिया इन लोगों को मार देता। जी हाँ दोस्तों, डाफनिया इन लोगों को मार देता। अभी दोस्तों ये डाफनिया को खा रहा है, मगर ये जब छोटा होता है, डाफनिया से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, तो डाफनिया क्या करता है, इनके ऊपर बैठ जाता है, बैठ के दोस्तों इनको खाने लग जाता है। तो इसीलिए छोटा उम्र पे बेटा फिश को डाफनिया नहीं देना चाहिए। आप लोग कोशिश करो ब्राइन श्रिंप देने का, ब्राइन श्रिंप मेरे पास मिल जाएगा, वो वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊँगा। बाकी दोस्तों पैकिंग क्या कुछ हुआ था मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को वीडियो के बीच बीच में दिखाऊँगा बोला था, तो आप लोग देखो दोस्तों क्या कुछ पैकिंग हुआ था। और भाई डम्बो ईयर का फीमेल, एक बंदे ने 25, एक बंदे ने 35, किसी ने 15 पीस, मतलब ऐसा कुछ डम्बो ईयर का फीमेल आप लोग ऑर्डर कर रहे हो। सभी को दोस्तों डम्बो ईयर फीमेल बेटा के एक कम्युनिटी टैंक बनाना है, जिसको सिरोरिटी टैंक बोला जाता है, ठीक है। तो सभी को दोस्तों डम्बो ईयर फीमेल उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा है। आगे भी दोस्तों इससे अच्छा अच्छा मछली मैं मंगवाने वाला हूँ। इंडोनेशिया का मछली का दोस्तों यही जलवा होता है, थाईलैंड का मछली में दोस्तों पूरा हवा फूस हो जाता है, मगर इंडोनेशिया का मछली दोस्तों इतना तगड़ा है कि एक एक बंदा 25-30 करके डम्बो ईयर का फीमेल ऑर्डर कर रहा है। और प्राइस तो आप लोग जानते ही हो दोस्तों, कोई 1, 2, 3, 4 पीस डम्बो ईयर लोगे तो 150 रुपये करके, और अगर 15 पीस से ज़्यादा लोगे तो 120 रुपये करके आ जाएगा। बाकी और भी दोस्तों मछलियों का प्राइस वीडियो में आगे बता दूंगा। सबसे पहले देखो दोस्तों ये सब जो बेटा फिश का फ्राई है कितना अच्छे से डाफनिया खा रहा है। अब दोस्तों ये लोग अगर एक बार डाफनिया खाना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब है कि ये 10 दिन के बाद ट्यूबफ्लेक्स वाम भी खाना स्टार्ट कर देगा,
और एक बार ट्यूबलेक्स वाम खाना स्टार्ट कर दिया तो इनका ग्रोथ डे बाय डे बहुत फास्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों करीब करीब 20 दिन बाद मैं इन लोगों को जारिंग कर लूँगा और काम ख़त्म। और यहाँ पे देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये जो टैंक है कितना बड़ा है, तो मेरा पैर देखे दोस्तों आप लोगों को पता चल गया मेरा हाइट से भी दोस्तों इसका टैंक, ये जो टैंक है वो बड़ा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दादा ये तो 2 फुट टैंक जैसा दिख रहा है, एक्चुअल में दोस्तों ये 2 फुट नहीं 7 फुट का जगह है। जी हाँ दोस्तों, 7 फुट का जगह है। बहुत सारे लोगों को कैमरा में पता नहीं चलता है, इसीलिए मैंने अपना पैर फैला के दिखा दिया कि एक्चुअली ये कितना साइज़ में है। और यहाँ पर बहुत सारा बेटा फिश का फ्राई है। टोटल मैंने दोस्तों एक ही पीआर का बेटा फिश का जितना भी फ्राई निकला था यहाँ पे मैंने डाल दिया था, और एक पीआर से ही मेरे को करीब करीब दोस्तों नहीं भी तो 800 के ऊपर फ्राई मिला है। उसमें से मैक्सिमम फ्राई यहाँ पे मतलब जिंदा है, कोई भी फ्राई का डैमेज नहीं हुआ है, डेड नहीं हुआ है। तो इन लोगों को मैं डाफनिया की अभी दूंगा खाने के लिए। तो ये देखो लाइट को मैंने एक होल में लगा दिया है, मतलब लाइट को होल में लगा दिया है, ठीक है, आप लोग गलत मत समझना। तो यहाँ पे देखो मछलियों को खाना किस तरीके से दूंगा वो आगे दिखाऊंगा। पैकिंग में थोड़ा सा ढम्बो यार फीमेल दिखा देता हूँ फिर से, क्योंकि भाई मेरे को लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा क्रेज़ है ढम्बो यार फीमेल का। मेरे को पता है कि डम्बो यार बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, मगर एक दिन में 185 फीमेल कौन ऑर्डर करता है भाई, आप सब लोग इतना क्रेज़ दिखा रहे हो इसके ऊपर। बाकी बहुत सारा मछली भी अब मैंने पैकिंग किया है, वो तो कल आप लोगों को सुबह 10 बजे दिख ही जाएगा, मगर डम्बो यार फीमेल का एक अलग ही तरीके का नशा है भाई। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मेल से ज़्यादा फीमेल सेल हो रहा है डम्बो यार का, ऐसा ही सीन है। कोई अगर 5 मेल ले रहा है तो वो 10 फीमेल ले रहा है। तो ऐसा ही दोस्तों जलवा है इंडोनेशिया का मछली का, जो कि थाईलैंड के मछली में कभी आता नहीं है। तो अभी देखो दोस्तों मैं सभी मछलियों का भी डाफनिया दूंगा। तो मैं सबसे पहले डाफनिया का जो पानी है वो अच्छे से घोल लूँगा, घोलने के बाद दोस्तों मैं इनको चारों तरफ फैला दूँगा। तो देखो दोस्तों चारों तरफ फैलाने का एक ही रीज़न है, अगर एक तरफ डाल दूँगा तो एक तरफ का ही मछलियों को खाना मिलेगा, दूसरा साइड का मछली इधर आके खाएगा नहीं, और इधर आके नहीं खाएगा तो उसका साइज़ छोटा रह जाएगा। और जो लोग एक बार बेटा फिश के फ्राई को बड़ा कर चुके हो उन लोगों को पता होगा कि बेटा फिश का फ्राई जब बड़ा होता है कुछ कुछ फ्राई बहुत ही छोटा रह जाता है, और कुछ कुछ फ्राई उससे 10 गुना बड़ा होता है, ठीक है। मतलब एक फ्राई का साइज़ अगर 1 इंच है, दूसरा फ्राई का साइज़ उससे 2-3 गुना छोटा होता है। यही दोस्तों एक मेन रीज़न होता है कि आप लोग खाने को चारों तरफ फैला के नहीं देते हो। मैं जिस तरीके से दोस्तों दे रहा हूँ खाने को चारों तरफ फैला के, इससे क्या होगा चारों तरफ के मछलियों को अच्छे से खाना मिलेगा, हर एक फ्राई अच्छे से ग्रो होगा, कोई भी फ्राई छोटा बड़ा नहीं रहेगा। तो मेरे को सेलिंग के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा कि छोटा मछली का कम प्राइस, बड़ा मछली का ज़्यादा प्राइस, मेरा हर एक मछली सेम साइज़ में रहेगा तो सेम प्राइस ही लूँगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखो मैंने जो फ्राई को बड़ा किया था, आप लोग देखो यहाँ पर कुछ फ्राई अब मैंने उठा लिया है। तो ये दोस्तों जो फ्राई है क्राउन टेल के साथ डबल टेल ओएचएम का क्रॉस है, तो इसमें से सभी फ्राई एक ही साइज़ का है, आप लोग देखो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम साइज़ का ही है, थोड़ा छोटा बड़ा रह सकता है वो मतलब होगा ही होगा, मगर ऑलमोस्ट सेम साइज़ का ही है। तो मैं दोस्तों एक प्लास्टिक ढूंढ रहा था, मेरे को प्लास्टिक मिल गया, ये देखो दोस्तों यहाँ पे एक प्लास्टिक है। तो इसमें दोस्तों मैं उठा के आप लोगों को फ्राई का क्या कुछ अपडेट है वो दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्रॉस ब्रीडिंग का क्या नतीजा निकलता है। मगर उससे पहले आप लोग देखो दोस्तों थाईलैंड का जो मछली रहता है, थाईलैंड के मछली में कंपेरिजन में ये सुपर रेड ओएचएम का फीमेल देखो, सुपर रेड मतलब सुपर रेड, ठीक है। अब लोग देखो ये फीमेल है, ठीक है, मेल जैसा कलर है और अंडों से दोस्तों लोडेड है, एक स्पॉट भी दिख रहा है। तो यही दोस्तों क्वालिटी होता है इंडोनेशिया का, मेरे से जो लोग मछली लोगे हर एक फीमेल लोडेड मिलेगा पूरा दोस्तों, फर्स्ट टाइम आपके पास जाके ब्रीड करेगा। आप लोग जानते हो मैं क्या क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ। बाकी आप लोग देखो दोस्तों यहाँ पे जो बच्चा था क्राउन टेल और डबल टेल ओएचएम का क्रॉस का, आप लोग देखो कुछ कुछ फीमेल का या फिर कुछ कुछ मेल का जो पेट है वो अभी से दोस्तों भरा हुआ है, क्योंकि मैं उनको डाफनिया खाने के लिए दे दिया था, बीच में मैंने उन लोगों को उठाया है। अब देखो टेल का साइड का हिस्सा आप लोग नोटिस करो, कुछ कुछ का जो टेल है बीच में से कटा हुआ है, वो दोस्तों फाइट करके कटा नहीं है, एक्चुअली वो डबल टेल है, ठीक है, डबल टेल क्राउन टेल निकला है। तो मैंने सोचा ही था दोस्तों ऐसा ही कुछ होगा। और जो लोग सोच रहे हो कि डबल टेल का जो कट है वो तो बीच में से रहता है, ये ऊपर से क्यों है, तो ये जो दोस्तों कट है वो जितना मछली बड़ा होगा धीरे धीरे बीच के साइड पे आता रहेगा, उसके बाद दोस्तों ये मछली पूरा परफेक्ट बन जाएगा। तो पूरा तो अपडेट आप लोगों को दिखाऊंगा ही दोस्तों, फिलहाल आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दिखा दिया, पूरा डिटेल दोस्तों इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, हर दोस्तों एक हफ्ता छोड़ छोड़ कर मैं वीडियो फुटेज निकाल रहा हूँ। एक दोस्तों एक लंबा वीडियो आएगा 12 मिनट का, एक हफ्ता बाद करके क्या क्या कुछ अपडेट हुआ। तो फिलहाल दोस्तों इनको भी मैं डाफनिया दे दूंगा, अभी तो ये ट्यूबलेक्स वाम खा रहा है मगर अभी मेरे पास डाफनिया अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं छोटा उम्र में इन लोगों को डाफनिया ज़्यादा करके खिला रहा हूँ, क्योंकि डाफनिया में दोस्तों बहुत सारा कैल्शियम रहता है और मछली का फिन ग्रो करने के लिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
आप लोग अगर ट्यूबलेक्स फॉर्म दोगे उसमें प्रोटीन अच्छा है, मछली का ग्रोथ होगा। मगर फिन का अगर अच्छा खासा ग्रोथ चाहिए तो उन लोगों को कैल्शियम देना पड़ेगा। तो कैल्शियम का वन एंड ओनली जो सोर्स है वो डाफनिया है या फिर ब्राइन श्रिंप है, क्योंकि जो ट्यूबलेक्स फॉर्म है उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, कैल्शियम बहुत कम रहता है। मगर ये जो डाफनिया है और ब्राइन श्रिंप है, किसी भी तरीके का कीड़े जैसा चीज़ है, तो उनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि वो क्या मछली क्या करता है, पूरा उसका जो कीड़े का शरीर है वो खा रहा है, तो उसमें कैल्शियम वगैरह जो भी है वो मछली के शरीर में जा रहा है। मगर ट्यूबलेक्स फॉर्म में क्या होता है, वो तो सिर्फ एक तरीके का केंचुआ है, तो प्रोटीन ही उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो दोस्तों, जो लोगों ने साइंस पढ़े हो ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बड़ा सा एक और टैंक है इसमें भी बहुत सारा फ्राई है। इसमें दोस्तों नहीं भी तो कम से कम 2000 के ऊपर फ्राई है। अब आप लोग बोलोगे कि कहाँ भाई 2000 फ्राई है, दिख ही नहीं रहा है। तो भाई दिख नहीं रहा है, आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगा, आप लोग देखते रहो। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारा डाफनिया डाल दिया है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखो मेरे लाइट जो है वो फार्म के दूसरा साइड पे मैं छोड़ के आया हूँ, तो अभी आप लोगों को फ्लैश में ही दिखा देता हूँ जितना भी दिखता है। देखो मैं छोटा सा एक पार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इतने से जगह पे ही दोस्तों कितना सारा मछलियाँ है। तो जो लोग भी दोस्तों अभी तक वीडियो को देख रहे हो, कॉमेंट सेक्शन पर 2000 बेटा वाला टैंक लिख दो। कॉमेंट सेक्शन पर दोस्तों ज़रूर से लिखना 2000 बेटा टैंक, और लिख के दोस्तों 8000 जरूर से स्पैम कर देना, ताकि मेरे को पता चल जाए आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हो। इसलिए मैंने दोस्तों इस वीडियो में एकदम एंड के साइड पे मैंने बोला है कुछ कमेंट करने के लिए। मैक्सिमम वीडियो पे क्या करता हूँ, मैं शुरू में ही बोल देता हूँ स्टार्टिंग के कुछ 2-3 मिनट में, इसीलिए मैंने इस वीडियो के एकदम एंडिंग के 2-3 मिनट पे बोला कि आप लोगों को क्या लिखना है। तो देखता हूँ दोस्तों कौन कौन मेरा वीडियो को पूरा एंड तक देखता है। बाकी जिन लोगों को पैकिंग का वीडियो देखना है, ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, फास्ट कमेंट पे लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।